केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। भागलपुर में नगर निगम चुनाव काफी जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हमारी टीम भी भागलपुर पहुंची हुई है, जहां पर मेयर पद के उम्मीदवार विजय यादव से हमने बातचीत की। विजय जी से क्या कुछ बातें हुई है, मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद गंभीर गरिमामय और जिम्मेदार पद है, तो क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या सोच के रखे हैं इस पद के बारे में, चुनाव के बारे में, अपने कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहा उन्होंने, आप देखिए। शहर हो या गाँव, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भागलपुर शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। लेकिन निगम प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि पानी की समस्या को दूर करने में पूरी तरह विफल है। भागलपुर नगर निगम वार्ड 4 मती नगर के पास बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी, तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया, जिसका शिलान्यास आज युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा विधिवत किया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बदनी नगर में जितनी आबादी है, उस हिसाब से यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, और जिनके घर या आस पास में बोरिंग नहीं है, उन्हें पानी की घोर समस्या हो रही है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर समाज सेवी विजय कुमार यादव से आग्रह किया है कि वे यहां पर एक बोरिंग दें, जिससे इस इलाके के लोगों को पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके और उन्हें पानी लाने के लिए दूर न जाना पड़े। बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विजय कुमार यादव का आभार जताया। समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर के लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिस कारण मैंने लोगों की जरूरत को देखते हुए कई स्थानों पर बोरिंग करवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब इलाके के लोग पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और न ही महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना होगा। इस अवसर पर मोहम्मद खबीर, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद सिकंदर, सलीम, रफीक, शान समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 मेदनी नगर है और गली नंबर 4 है, और यहाँ पे करीब कई सालों से पानी की बहुत समस्या थी। पेयजल जो सप्लाई वाला आता है वो भी यहाँ तक पहुँचता नहीं सही से, लोग परेशान थे। यहाँ की महिलाएं, बच्चे रोड पर से पानी भरता था, और मुझे यहाँ से सूचना मिला था कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। मैं यहाँ पे आया तो रियल में देखा कि बहुत पानी की यहाँ समस्या है, और उसको देखते हुए एक छोटा सा यहाँ पे एक प्याऊ का जो है निर्माण आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, और लोगों को इसमें सुविधा मिल, लोग में जो है थोड़ा अच्छा जो है सब खुशी है कि लोग यहाँ पे एक प्याऊ जो है बन रहे हैं, और आगे आने वाला समय में भी मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ पे प्रत्येक गली में पानी की सुविधा मिले। वार्ड नंबर 4 में आदरणीय श्री विजय यादव के माध्यम से इन वार्ड नंबर 4 गली नंबर 4 मधी नगर में जिस तरह कार्य को निजी कोष से इन्होंने जो पेयजल दिया है, एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी आए हैं बस यूं ही आश्वासन देकर गए हैं, भरोसा दे, लेकिन जनता को आंखों के आंसू पोंछने वाला नहीं। माननीय हमारे जो मेयर साहब हैं, जो प्रत्याशी हैं श्री विजय यादव जी, इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने जेब से, अपने कोष से रकम को देकर इन्होंने कहा जान माल सब हम विस्तार से लगाएंगे, जनता को प्यासा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी वार्ड हो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।